नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। दोस्तों, एक सवाल आया है और ये भाई साहब लिखते हैं कि सर, अगर हम अपना घर किसी सोसाइटी में रेंट पर देते हैं तो वहाँ का मेंटेनेंस कौन पे करता है? वो हमें पे करना पड़ेगा या फिर हम जिसे रेंट पर दे रहे हैं यानी कि टेनेंट, उसे पे करना पड़ेगा? तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस प्रॉपर्टी पे, उस सोसाइटी में जो भी व्यक्ति रहेगा, चाहे वो ओनर हो चाहे वो टेनेंट हो, उसी को वो मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा जो वहाँ पर उस सोसाइटी में उस सोसाइटी की सर्विसेज को यूज़ करता है। जैसे लिफ्ट हो गया, पावर बैकअप हो गया, इंटरकॉम हो गया, पार्क हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्विसेज हैं सोसाइटी की, जो उसे यूज़ करेगा, उसी की जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को मेंटेनेंस चार्ज पे करने की। इसके अलावा पानी का बिल, बिजली का बिल या और भी सोसाइटी की जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ करता है तो उसका कोई भी चार्ज आता है। जैसे कॉमन एरिया में जो बिजली जलती है, लाइट्स जलती हैं, उसका भी जो चार्ज आता है वो भी टेनेंट की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे पे करे, क्योंकि वो वहाँ पर एट प्रेजेंट रह रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टॉपिक पे हमने जो आपको बताया है। और भी कोई सवाल है आपका तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।